कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 महीनों से पूरा भारत लॉकडाउन में है। सारे व्यापारी त्रस्त हैं। इसको समझते हुए भारत के शिपिंग मिनिस्टर ने एक आदेश जारी किया कि पोर्ट पर आए हुए सारे कंटेनर्स पर कोई भी डिटेंशन, डैमरेज या CFS चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इन शिपिंग लाइन्स की इतनी दादागिरी है, इनका इतना लॉबिंग है कि वो बिल्कुल भी इसको नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं और ज़बरदस्ती चार्जेस का बिल्स बनाते जा रहे हैं। CFS चार्ज का भी बहुत बड़ा इशू है। जितने भी पोर्ट से कंटेनर निकले हैं वो CFS उस पर भरना पड़ रहा है। 2 महीने से लॉकडाउन था तो 2 महीने के जगह कंटेनर्स पर अगर CFS चार्ज भरेगा तो ये व्यापारी सारे दिवालिया हो जाएंगे, सारे व्यापार ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी को खुद इस पर इनिशिएटिव लेकर एक आदेश जारी करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानेगा उसके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाने चाहिए, तभी जाके ये लोग मानेंगे। इस पर तुरंत ध्यान नहीं देंगे तो व्यापार जगत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।